हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो आज बनाने वाली हूँ मैं व्लॉग। तो बहुत टाइम बाद बनाने वाली हूँ मैं आज वीडियो, तो किसी वजह से नहीं बना पा रही थी। तो चलो एनीवे कोई बात नहीं, तो इस वीडियो को, आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 10 और ब्रेकफास्ट वगैरह हमने सब कर लिया है, काम वगैरह सब कर लिया है। तो आज है स्पेशल डे, इसीलिए आज मैं व्लॉग भी बना रही हूँ। तो क्या है स्पेशल डे वो मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊँगी। तो सबसे पहले हम जो हैं अपना ये रूम है इसको डेकोर कर रहे हैं। यहाँ पे मम्मी गुब्बारे फुला रही हैं तेरी, यहाँ पे दीदी का वीडियो कॉल आ रखा है, हमारी वो देख रही है कैसे तैयारी कर रहे हैं। ये आ रखा है पड़ोसियों का बच्चा, ये नंदू देखो वहाँ पे, बोल बोल बुआ। दिखा बुआ को, दिखा नंदू बुआ को दिखा रहा है हम क्या क्या लेके आ रखे हैं। दिखा देख बुआ, देख दिखा वहाँ, दिखा बुआ, ये बुआ को दिखा, ये बुआ को दिखा। कितनी हो गई तेरी तैयारी सजाने की? हो गई है बस। वेलकम था, इस वेलकम का ओ है जो वो कूद गया है, अब हम वेलकम का हमारा ओ का काम करेगा। ये थी, अब हम लगाएंगे इस दिल को। बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा बैलून फुलाने हैं। मैं अकेली फुला रही हूँ, लोग नहीं फुला रहे। चल राखी अब तू भी फुला, ये पूरे पैकेट हैं अभी पड़े हुए, पूरे फुलाने हैं अभी। ये यहाँ पे मैदान पे मम्मी भी आ गई है, बैलून फुला रहे हैं मम्मी। क्यों कर रहे हैं मम्मी हम ये तैयारी, आप बताओ? क्योंकि बेटा बहू आ रही और पोती आ रही। चलो राखी बताएगी अब ढंग से। कहाँ से आ रहे हैं मम्मी? ये हांगकांग, हांगकांग से आ रहे हैं हमारे भैया भाभी लोग। उनको लेने भी जाना, हम आ रहे हैं। कैसे करना है इसको? यही नहीं फुलाना आ रहा कि फुलाना कैसे है। मम्मी बताओ किसकी खुशी हो रही आने की, भैया की, भाभी की, ईवा की? नहीं, किसको पहले पकड़ोगे? किसको पहले पकड़ोगे बताओ? किसको पहले पकड़ूंगी, भाई को कि ईवा को? पोती को पकड़ेगी मम्मी सबसे पहले। दादी का प्यार ही होता है ऐसे ज्यादा होता है। भैया भाभी का भाई से ज्यादा प्यार, भतीजा से इतना ठीक है ना बैलून। तो अब मैं आपको ढंग से बता देती हूँ कि क्यों हम इस रूम को डेकोर कर रहे हैं। तो जो है मेरा भाई आ रहा है, भाई भाभी और उनकी अभी जो बेटी हुई है, न्यू बॉर्न बेबी, पिछले साल ही हुई है, एक साल की हो गई है वो। तो वही लोग भैया भाभी और वो उनकी फैमिली लोग हैं वो जो आ रहे हैं यहाँ पे। चार साल बाद आ रहा है मेरा भाई हांगकांग से, इसीलिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं भैया लोगों की आने की। और ये एक व्लॉग से ज़्यादा एक याद बन के रहने वाली है, इसलिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। एक साइड से हम यहाँ पे बैलून भरने पे लग रखे हैं और दूसरी साइड से फूटने पे लग रखे हैं। तो यहाँ पे हमारा डेकोरेशन का काम है वो आधा हो चुका था लगभग, लगभग मतलब आधे डेकोरेशन जो है हमने वो पूरी कर चुकी थी। तो उसी बीच हमें आ गई थी कॉल की जो हमने केक ऑर्डर दिया है वो रेडी हो चुका है। तो हम निकल गए थे फिर अपना केक लेने के लिए, और ज़्यादा दूर नहीं दिया हुआ था हमारा, हमने केक का ऑर्डर बिल्कुल 5-10 मिनट ही हमारे घर से थोड़ा सा दूर था। लेकिन होता है ना जब आपको लेट हो रही होती है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि लेट हो ही जाती है। तो जैसे हमको लेट हो ही रही थी उसी टाइम पे ट्रेन का भी समय हो गया था आने का, फिर हम भी यहाँ पे खड़े हो गए थे ट्रेन का वेट कर रहे थे जाने का। तो ट्रेन निकलते ही फिर हम भी निकल गए थे और यहाँ पे फिर हम आ गई थोड़ी देर में पहुँच गए थे अपने जहाँ पे हमने केक ऑर्डर दिया हुआ था। और यहाँ पे ये हमने दिया था केक और यहाँ पे ये बहन कर रही थी वेट अपने केक का आने का। और फिर हम केक लेते ही चले गए थे घर को, और उसके बाद बहुत थक गए थे तो हम आराम किया हमने थोड़ा सा, और फिर शाम हो गई थी और हम फिर रेडी हो गए थे जाने के लिए एयरपोर्ट। और जैसे हम निकलने को हुए रेडी वैसे ही बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। सुबह से तो बहुत तेज़ धूप थी लेकिन शाम को आते ही आते बहुत तेज़ बारिश हो गई थी। आज हम जिम्मी का रिएक्शन देखेंगे क्या आता है, मम्मी भैया को चार साल बाद देख के पहचानता है कि नहीं पहचानता है।
पहुंच गए अब एयरपोर्ट में और बारिश बहुत तेज हो गई है। देहरादून के मौसम का भी कोई भरोसा नहीं होता है। सुबह इतनी गर्मी थी, इतनी उमस थी और अभी शाम के टाइम पे इतनी ज़्यादा तेज़ बारिश हो गई है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, राखी कैसा लग रहा है, राखी के पेट में गुदगुदी हो रही है, अजीब से फीलिंग हो रही है बहुत ज़्यादा। 4 साल बाद आ रहा है भैया देखने के लिए, भैया को देखने की भी एक्साइटमेंट है और भैया की बेटी को भी। दिखाती हूँ मम्मी की, देखो मम्मी बेटे बहू और सबसे ज़्यादा नातिन के आने की खुशी है ये। और यहाँ पे बहन है खड़ी हो रखी है, बड़ी बहन की फ़ोन आ रखा है, उसी से बात कर रही है। तो फ्लाइट आने में अभी को पापा के गोद में धर देंगे, ऊपर चले गए, फ्लाइट अभी आई नहीं है, लैंड नहीं हुई है। यहाँ पे दूर खड़े हो रखे हैं भैया भाभी। पापा भी नहीं पहचान रही, इंडिया आके पापा भी नहीं पहचान रही है भैया। इसमें रख उसके पैर। तो यहाँ पे हो गई थी हमारी केक कटिंग, और केक कटिंग के बाद सब बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो उसके बाद हमने किया डिनर और सब थक भी गए थे, तो उसके बाद हम सब लोग सो गए थे। तो यही थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगी अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।